गाइज आप सोचिए कि आपको कहीं घूमने जाना पड़े और इस प्रकार के टेंट के साथ और घने जंगल में यानी कि डेंजरस फॉरेस्ट के अंदर आपको रात को स्टे करना पड़े तो आप क्या करेंगे, क्योंकि उस प्रकार के जंगल के अंदर बहुत ही खतरनाक जीव जंतु रहता है। तो जीव जंतुओं से अपने आप को और इस टेंट को बचाने के लिए हमने आज बनाया है कि मज़ेदार डिवाइस। तो गाइज चलिए उस डिवाइस को बना के आपको दिखाते हैं और उसको कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको दिखाते हैं। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले नीचे जो लाइक का बटन है वो आप जल्दी से दबा दीजिए। तो गाइज इस डिवाइस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है ESD जो कि खराब टीवी में से मिल जाता है बहुत ही आसानी से, और आपको चाहिए एक N सीरीज का MOSFET जो कि 44N है, एक हीट सिंक और एक 330 ओम्स का रेजिस्टेंस, और इस तरफ हमें चाहिए 4725 वोल्ट का एक कैपेसिटर और एक 6 वोल्ट का रिले। तो हमें और कुछ कॉपर की वायर 0.75 mm का कुछ कॉपर की वायर, तो इस तरफ 5 टर्न, बीच में एक लूप, ऐसे एक लूप छोड़ना होगा आपको, फिर इस तरफ फिर से 5 टर्न देना होगा। तो गाइस अभी वायरिंग को कर लेते हैं। तो MOSFET का जो लेफ्ट वाला साइड है मेरी तरफ से उस पर रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे, और रेजिस्टेंस का कोई प्लस माइनस नहीं होता इसलिए आप जिस तरफ चाहे जोड़ सकते हैं, और रेजिस्टेंस का जो दूसरे छोर है उसको जोड़ देंगे हमने जो कॉयल बनाया है लाल कॉपर की वायर से उसके एक तरफ, और लाल कॉपर की जो दूसरे छोर है उसको लगा देंगे MOSFET के बीच वाले लेग में, और इसको जोड़ने के बाद हमने जो बीच वाला लूप छोड़ा था उसके साथ एक पीला तार को जोड़ देंगे जो कि काम करेगा हमारा पॉजिटिव इनपुट का, और MOSFET का जो राइट वाला लेग था उसके ऊपर काला तार को जोड़ देंगे जो कि रहेगा नेगेटिव, और उसके बाद एक स्विच को भी जोड़ देंगे, और फिर 3.7 वोल्ट की दो बैटरी को पैरेलली जोड़ देंगे, और अभी ट्राई करते हैं इसको चला के तो देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइज आप देखिए ये प्लाज्मा कैसे क्रिएट कर रहा है, और हाई वोल्टेज, बहुत ही हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। तो गाइज अभी आपको और एक छोटा सा सर्किट बनाने की ज़रूरत है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कैपेसिटर का जो लंबा वाला लेग है उसके साथ रिले का जो दो लेग है यानी कि दो पिन है उसको कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है, और कैपेसिटर का जो छोटा वाला लेग है उसको रिले की और एक साइड की जो एक पिन है उसके साथ जोड़ देना है, और एक जो पिन खाली छोड़ दिया है हमने उसको खाली छोड़ देना है आपको, और बीच में हमने जो एक पीला तार जोड़ दिया है वो है हमारा पॉजिटिव का इनपुट, और ये जो कैपेसिटर है इसका जो स्ट्रैप वाला साइड है ये है हमारा नेगेटिव, और दूसरा वाला साइड है हमारा पॉजिटिव यानी पॉजिटिव का आउटपुट, और नेगेटिव जो है वो कॉमन ही रहेगा यानी कि जहाँ पे आके लगेगा वहीं से निकलेगा, और इसके साथ हमने एक LED लाइट को भी लगा दिया है ताकि आपको दिखा सके। तो अभी एक बैटरी के साथ इसको जोड़ते हैं और फिर दिखाते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं कैसे पल्स क्रिएट कर रहा है, यानी कि ये जो हमारा डिवाइस है इसको इस प्रकार से बंद चालू और बंद चालू करता रहेगा, ये एक स्विच की तरह काम करता है, इससे हमारा जो डिवाइस है ये ज़्यादा देर तक चलेगा और बैटरी भी बहुत देर तक चलेगा। तो पूरी वायरिंग को आप एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए, ये जो हमारा दो लिथियम आयन बैटरी है इसका जो प्लस है वो स्विच से होके हुए इस रिले का बीच वाला जो लेग था यहाँ पे गया है, और यही से जो प्लस है निकला है इधर से इस पीले वाले तार से निकल के इस कॉयल पे आके यहाँ पे लगा है लूप पे, और माइनस जो है अभी हमने नहीं लगाया है वो इधर से आके हुए यहाँ पे लगेगा, और यही से ही बाहर निकल के ये जो MOSFET है यहाँ पे लगेगा। तो गाइस हमारा झटका मशीन कॉम्पैक्ट रेडी हो चुका है, इसमें सिर्फ लाइन देना बाकी है, इसमें स्विच लगाना बाकी है, स्विच हमने यहाँ पे एक बॉक्स से यहाँ पे लगा के रखा है, इसको अंदर डाल देंगे तो आपकी आपको दिखाने के लिए इसको बाहर रखा है अभी भी। तो गाइस ESD का जो मोटा वाला तार था जो आपने देखा अभी जिससे कि स्पार्क जनरेट हो रहा है हाई वोल्टेज, उसमें एक कॉपर की वायर को जोड़ दिया है और इस तार को हमने इस प्रकार से छिल दिया है। ये जो हमारा फेंसिंग है उसमें जो लाइन जाएगा उसमें इस तार को जोड़ना होगा, और अब ESD की इस तरफ जो पीछे वाला साइड है इस यहाँ से भी एक ब्लैक वायर को जोड़ दिया है, उसमें एक लोहे का डंडे को भी जोड़ दिया है, और इससे हमको आर्थिंग देना पड़ेगा क्योंकि आर्थिंग ना देने पर ये बहुत दूर का झटका दे सकता है और रिक्स भी हो सकता है, तो इसीलिए इसको आर्थिंग देना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत दूर तक भी काम करेगा।
गाइस इस फेंसिंग को लगाने के लिए हमने इस प्रकार के लोहे का तार का यूज़ किया है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और इस हमने जिस प्रकार से एक तार को लगाया है, ऐसे ही आप और एक या दो तार लगा सकते हैं, क्योंकि दो तार ज़्यादा होने पर गैप कम होगा और जीव जंतु का अंदर जाने का चांस भी कम जाएगा। तो गाइस इसी प्रकार से लगा के फिर इसके ऊपर लाइन देना होगा। तो गाइस ये जो हमारा झटका मशीन है, ये आप अपनी टेंट के अंदर ही रखेंगे, और ये जो ग्रीन वाला तार है इसको आप बाहर निकल के इस प्रकार से इस ये जो तार है इस पे जोड़ देंगे। कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है, इस पे सिंपली जोड़ देंगे तो ये काम हो गया। और इसका जो अर्थिंग वाला तार था, जो कि ये अर्थिंग वाला रॉड लगाया था हमने, इसको आप कैंप के बाहर जहाँ चाहे वो आप इसको लगा दीजिए इस प्रकार से। पे थोड़ा पानी डाल दीजिए तो ये अर्थिंग अच्छी तरीके से काम करता रहेगा।